क्या हुआ तुम्हें? मैं भूतू हूँ, तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आई हूँ। क्या सहायता चाहिए? इस देश के जो महाराज है ना, चींटियों के राजा, वो बहुत बुरे हैं। हमारे दोस्त को बंदी बना के रखा है, उन्हें सजा देनी होगी। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम और तुम्हारे दोस्तों को मिलके यहाँ जितने भी फूल है उनका शहद खाना पड़ेगा। बस इतना ही? नहीं कर पाओगी? हाँ, जरूर करूँगी। क्या कह रहे हो सेनापति? हमारे देश की सारी मिठाइयाँ फूल बन गई हैं और वो मधुमक्खियाँ फूलों का सारा शहद खाकर चली गई हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम सब के सब निकम्मे और कामचोर हो गए हो। चलो उन्हें पकड़ते हैं। तुम सब लोग पेट भर के शहद खाओ, थोड़ा सा भी शहद बचना नहीं चाहिए। कौन हो? मेरे राज्य में घुस के ये सब क्या शुरू कर दिया है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ए, तुम लोग अपना काम करो, थोड़ा सा भी शहद बचना नहीं चाहिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी सारी मिठाइयाँ फूल कैसे बन गई? किसने किया है ये सब? सेनापति, इन सभी मधुमक्खियों का सर कलम कर डालो। मैंने ही ये सब किया है महाराज, मैंने ही सारी मिठाइयों को फूल में बदल दिया। क्या तुमने किया है? तुम्हारे एक दोस्त को बंदी बनाया है, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत? सेनापति, इन सबको बंदी बना डालो और कारागार में डाल दो। मैं इन मधुमक्खियों का कुछ करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारी मदद करने आए थे और खुद बंदी बन गए। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया। ठीक है ठीक है, तुमने कौन सा जानबूझकर किया है? ऐसे बोलने से थोड़ी ना होता है, तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी। हाँ, मैंने बहुत सारे लड्डू खाए हैं, 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी। बस 3 दिन तक ना, हमारे यहाँ तो किसी को खाना भी नहीं मिलता है। बाप रे बाप, क्या बताऊँ? क्या बोल रहे हो? 3 दिन तक मैं कौन सा यहाँ पर रहूँगा? मेरे दोस्त उससे पहले ही मुझे ले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम भूतों को नहीं जानते। तुम अपने दोस्तों को यहाँ पर नहीं लेकर आए हो तो उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो? उनको सब पता है, देखना वो आती ही होगी। बाप रे, हमें तो जेल में लेकर आ गए। वही तो मैं चाहती थी, वरना मैं ढूंढ कैसे पाती कि गोलू आखिर कहाँ पर है। वो देखो, मैंने बोला था ना। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो राजा की सेना आ गई यहाँ पर। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। तुम लोगों के महाराज के लोग ही हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। रानी मधुमक्खी, क्या हुआ है तुम्हें? शांति से शहद भी नहीं खाने देते हमें। नहीं खाने दूंगा, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के फूलों से शहद खाने में? शर्म क्यों आएगी? फूल चाहे कोई भी हो, शहद खाना हमें पसंद है और मैं शहद खा रही हूँ। इन सारी मधुमक्खियों को फूल से अभी के अभी उतारो। ए मधुमक्खियों, तुम सब चुप क्यों हो? आओ इसको डंक मारो आकर। डरपोक है इसलिए भाग गए। मैं डरपोक नहीं हूँ, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। रुको रुको, महाराज को डंक नहीं मारना है, इनको तो तुम थोड़ा
मुझे छोड़ दो। अरे मेरा सर घूम रहा है। अभी तो सर ही घूमा है बस, आगे देखो क्या होगा। अरे छोड़ दो मुझे। पहले तुम सारे दोस्तों को छोड़ो मेरे। छोड़ रहा हूँ सेनापति। भूत तो सब जानती है। गोलू जल्दी चलो, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। मुझे दया करके छोड़ दो, मेरा सर घूम रहा है। मुझे छोड़ दो, लगता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक मेरे दोस्त भूत तो नहीं कहेगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। महाराज की हालत तो देखो, मुझे बोल रहे थे दया कर दया कर। छोड़ तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मिठाइयाँ नहीं चुराओगे। नहीं चुराऊंगा, मैं कभी किसी को चोरी करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। और जो खाना मिलेगा वो सब लोग मिल बांट कर खाओगे। बिल्कुल, सब मिल बांट कर खाएंगे। अब मुझे दया करके छोड़ दो मुझे। ठीक है रानी मधुमक्खी, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब तुम उसे छोड़ दो। बस तुमने कह दिया है तो हम छोड़ देंगे उसे। ए महाराजा को छोड़ दो। रानी मधुमक्खी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। नहीं भूतो, हमने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। अगर फिर से जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। ठीक है भूतो? ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे यहाँ बुला लेना, मैं याद रहूँगी ना। याद रहोगी, चलती हूँ। चलो सब। अब मुझे माफ कर दो। अब समझ आया ना, अपनी चीज कोई और लेकर गया तो कितनी तकलीफ होती है। हाँ, समझ गया। जब रानी मधुमक्खी मेरे राज के फूलों से शहद खा रही थी तभी समझ में आ गया था तुम्हारी मिठाई को चोरी करने से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरा यकीन करो, अगर मेरे पास वो मिठाई होती तो मैं वो सब तुम्हें वापस कर देता, पर वो तो फूल बन गई है। ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गई, वही बहुत है। तुम्हें मिठाइयाँ वापस नहीं देनी पड़ेंगी। इससे अच्छा हम सब मिलके एक साथ सारी बची हुई मिठाइयों को खाते हैं और जश्न मनाते हैं। पर वो कैसे? फूल तुम लोग फिर से मिठाई बन जाओ ना प्लीज। मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे। देखा मेरे प्यारे दोस्तों, खाना सब मिलकर एक साथ खाते हैं तो कितना मजा आता है। दत्त कितनी धूप है। अरे धूप रहेगी तो ही तो अच्छा होगा ना, पटाखों को जितनी धूप लगेगी उतना अच्छा होगा। फिर भी आज धूप कितने कड़ाके की है ना। पहले पता होता तो टिफिन में खाना भी लाता। उफ, कितनी भूख लगी है, क्या बताऊं। ये लो गोलू, पकड़ो। अमरूद। अरे भूतू, तू इतने समय से कहाँ थी। अरे क्या बताऊं, ये मिट्ठू और शेरू, इनका मैं क्या करूं, हर रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा करते रहते हैं। फिर से झगड़ा। तुम हंस रहे हो बंटी भैया, नहीं जानते कितनी मुसीबत हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तू बैठ तो जा। अरे इतने सारे पटाखे, इतने पटाखे कहाँ से मिले। कहाँ से मिले मतलब, ये हम सभी लोगों के हैं भूतू, हम सब मिलकर इसे फोड़ेंगे। क्या बात है, सारी की सारी मंडली यहीं बैठी है। अरे वाह, यहाँ तो पटाखों का बाजार लगा है, जरा मुझे भी दिखाओ। नहीं है ना, तो फिर क्या फायदा,
प्रदूषण हो वैसे पटाखे नहीं फोड़ते। आपको पता नहीं ऐसे पटाखे फोड़ना मना है? छोटे बच्चे बम से डरते हैं इसलिए बम फोड़ना मना है। दिवाली में बम नहीं फोड़ा तो क्या मजा आएगा? तुम बम फोड़ोगे? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ जो मुझे डर लगेगा। छे? नहीं बाबा, हमारी फूलझड़ी ही अच्छी है, कितनी सुंदर लगती है। तुम छोटे बच्चों की तरह फूलझड़ी ही चलाओ, मैं तो चला अपने बम को धूप दिखाने। अरे चिंटू भैया रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। तू भी जाएगा मतलब? कहाँ जाएगा? घर जाऊँगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और पटाखों की रखवाली नहीं कर सकता। चलो चिंटू भैया। हाँ हाँ चलो। अच्छा चिंटू भैया, आपने बहुत सारे बम खरीदे हैं क्या? बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खरीदे हैं। अच्छा तो कौन कौन से बम खरीदे हैं? क्या क्या खरीदे हैं? आलू बम, चॉकलेट बम, काली पटका, रस्सी बम, लड्डू बम। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन बंटी भैया बोल रहे थे प्रदूषण वाले पटाखे फोड़ना मना है। अरे चुप करो, साल में एक ही दिन तो पटाखे फोड़ते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हर साल फोड़ता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तू ही बता, अगर तू तैयार है तो हम दोनों एक साथ फोड़ेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, कल शाम होते ही मैं आपके घर आ जाऊँगा। कल दोपहर में ही आ जाना। दोपहर में पटाखे फोड़ेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कोई फुलझड़ी है जो रात होने का इंतजार करेंगे? इतने पटाखे हैं कि दोपहर में शुरू करेंगे, रात तक भी खत्म नहीं होंगे, समझ गए? तो फिर मैं दोपहर में ही आ जाऊंगा। तो फिर क्या तय हुआ, हम सब क्या मैदान में ही पटाखे फोड़ेंगे? हाँ यही सही होगा, शाम 6 बजे सब लोग मैदान में चले आना। बंटी भैया मैं ना कल नहीं आ पाऊंगा। क्यों, अब तुझे क्या हुआ, क्यों नहीं आएगा तू? मेरा मतलब पटाखों के धुएं से मेरी आंखों में जलन होती है और डर भी लगता है। तू तो पिछले साल हमारे साथ पटाखे फोड़ रहा था, तब तो तुझे कुछ नहीं हुआ था। पिछले साल नहीं हुई तो क्या अब होती है? मैंने कहा ना कल से नहीं आऊंगा। अरे गोलू को अब क्या हो गया, कल तक तो पटाखे फोड़ने के लिए उतावला था, आज अचानक से इसे ऐसा क्या हो गया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चिंटू भैया, ओ चिंटू भैया। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। कहाँ? अरे तुम चलो तो सही। चिंटू भैया हाथ में तो नहीं फूट जाएगा? डर क्यों रहा है? अच्छा रुक जा, ये ले, ये दीवार बम है, इसमें आग नहीं लगानी पड़ती। जोर से दीवार पर मारोगे तो बूम, हाथ में फटने का कोई डर नहीं। ये लो। ये बात है, बहुत बढ़िया, पर मुझे दीवार नहीं दिख रही। यहाँ तो कोई दीवार नहीं है। तू उस बरगद के पेड़ पर फेंक। पर वहाँ पर तो कटहल काका सो रहे हैं। अरे तू फेंक ना, बड़ा मजा आएगा, फेंक फेंक। कौन है, कौन है, कौन है रे, कौन बदमाश है? हा? हा? सामने आ, कौन है? बदमाश बच्चों, अगर मेरी जान चली जाती तो? ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बम फोड़ने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? रुको रुको, मैं अभी के अभी तुम्हारे मम्मी पापा को शिकायत करता हूँ, बताता हूँ तुम्हारी बदमाशियों के बारे में, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। ओफ, परेशान कर दिया है ये बदमाश, दोपहर से पटाखे फोड़ रहे हैं। शांति से बैठकर मैं किताब भी नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है, मुझे अभी जाके कुछ करना होगा। चिंटू
भैया मुझे एक और बम दो ना। अरे वाह तेरा डर तो भाग गया है। अब बताओ फुलझड़ी जलाने में ज्यादा मजा आता है कि बम फोड़ने में ज्यादा मजा आता है? हाँ चिंटू भैया बहुत मजा आ रहा है। इस बार फूल पहाड़ी में बहुत ज्यादा बम फूट रहे हैं। दोपहर से ही फूटने चालू हो गए। कान बहुत दर्द हो रहे हैं। सही कहा तुमने, मेरे भी कान दुखने लगे हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या खुशी मिलती है सबको परेशान करके। किताब नानू आपको क्या हुआ? और क्या होगा, तुम छोटे बच्चे मजे कर रहे हो, चैन तो है नहीं तुम्हें। चलो वो ठीक है, पर लोगों को परेशानी हो रही है या नहीं वो नहीं दिखता तुम्हें। हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं बात कर रहा हूँ उस गोलू और उस चिंटू की। दोपहर से वो दोनों बम फोड़ रहे हैं। इसका मतलब गोलू ने मुझसे झूठ कहा। बंटी भैया तुम किताब नानू से पूछो तो कि वो लोग बम कहाँ फोड़ रहे हैं। अच्छा किताब नानू, वो लोग कहाँ पर बम फोड़ रहे हैं आपको ये पता है? पता है, आते वक्त ही तो देखा मैंने। पेड़ के नीचे दोनों एक के बाद एक मिलकर बम फोड़ रहे हैं। अच्छा वहाँ पर चलो। तो पटाखे के धुएं से तेरी आंखें जलती हैं? इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा था? नहीं मेरा मतलब, मैं तो बस कुछ बॉम्ब फोड़ रहा था। मुझे कल मैंने कहा था ना गोलू कि प्रदूषण वाले बॉम्ब नहीं फोड़ने हैं। इनकी बातों पे ध्यान मत दे गोलू, इतनी देर से हम बॉम्ब फोड़ रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? चिंटू भैया तुम खुद गलत काम कर रहे हो और साथ में गोलू को भी सिखा रहे हो। रास्ते में हमें किताब नानू मिले थे, तुम्हें पता है कितने परेशान थे वो? तेरे पटाखे की आवाज से हमारे कान दर्द हो रहे हैं। अच्छा मुझे बम फोड़ना अच्छा लगता है तो मैं बम फोड़ता हूँ। तुम्हें फुलझड़ी जलाना अच्छा लगता है तो तुम वो जलाते हो। मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया ना, फिर तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है फुलझड़ी और अनार जलाने से किसी को भी तकलीफ नहीं होती, दिखने में भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी के पटाखों से लोगों को कितनी तकलीफ होती है पता है ना? छोटे बच्चे, बीमार इंसान, सब कितना डरते हैं पता है ना? ये सब मैं नहीं जानता। मुझे अच्छा लगता है तो मैं फोड़ूंगा, और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। मतलब तय कर लिया है कि हमारी बात नहीं मानेगा? मैंने कहा ना नहीं मानूंगा। सुनो चिंटू भैया सारे बम निकालो तो जरा, हम लोग सब फोड़ेंगे अभी। हाँ ठीक कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और फुलझड़ी जलाओ, हम दोनों यहाँ पर बम फोड़ते हैं। वो देख भूतू, कितने सारे बम निकाले हैं। इतने सारे बम अगर आज ही फोड़ दिए तो सारे फूल पहाड़ी के लोग परेशान हो जाएंगे। भूतू अब तू ही कुछ कर प्लीज। रुको बंटी भैया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। आलू बम, तुम लोग सच में आलू बन जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। भूतू ने हमारे सारे बम को सच में आलू और चॉकलेट बना दिया। मैं सब समझ रहा हूँ, ये तूने किया है ना भूतू? तुम क्या करती, तुझे तो कब से समझा रही हूँ, मेरी बात तुमने नहीं सुनी इसलिए मुझे जादू करना पड़ा। ये सब तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया भूतू। चल गोलू मेरे घर चल, मेरे पास इससे भी ज्यादा बम है। चलो इन सबको फुलझड़ी जलाने दो, हम बम फोड़ेंगे।
गोलू कितना धोखेबाज है, हमारी एक भी बात नहीं मान रहा है। और चिंटू भैया को देखो, खुद तो सुधरेंगे नहीं और गोलू को भी पट्टी पढ़ाए जा रहे हैं। देखो कुछ नहीं कर सकते ना, अब गोलू को समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने कोशिश की थी। नहीं बंटी भैया, गोलू अगर इस तरह नहीं समझेगा तो किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। गोलू पूरे दिन गांव के सारे लोगों की नींद खराब करके अब खुद आराम से सो रहा है। कितना समझाया फिर भी नहीं समझा। अब तो देख मैं तुझे कैसे समझाती हूँ। सपना ओ सपना, गोलू को एक पूरे बम पटाके के देश में ले जाओ ना जरा प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मैं पहले कभी नहीं आया। चलो जरा घूम के देखता हूँ। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी फुलझड़ियाँ। इतना सुंदर लग रहा है देखने में। इसके बाद और भी पटाखे होंगे, अभी जाकर देखता हूँ। इतनी सारी फुलझड़ियाँ हैं, ये सब किसने जलाई होंगी? ये फुलझड़ी कितनी सुंदर है, कब से जल रही है खत्म ही नहीं हो रही। इश, अगर यहाँ बंटी भैया, गुड्डू, मुन्नी, भूतू होते तो कितना मजा आता। कुछ भी कहो, भूतू ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, फुलझड़ी जलाने में बहुत मजा आता है। पर मुझे तो बम फोड़ने में भी मजा आता है, जितना जोर से फटता है उतना मजा आता है। पर ये बात तो उन्हें समझ में ही नहीं आती है। अच्छा, अगर यहाँ पर इतनी सारी फुलझड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर चॉकलेट बम भी जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर तो आवाज भी जोर जोर से आएगी। अभी जाता हूँ देखने के लिए। ये रहा काली पटाखा, इसका मतलब इस सीढ़ी से जाऊंगा तो चॉकलेट बम जरूर मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बम है, इसे फोड़ूंगा तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मेरा तो पूरा का पूरा गांव हिल जाएगा। ना बाबा, ये सब बम तो मैं कभी नहीं फोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। बचाओ, अरे बचाओ। अरे बाप रे। और बम नहीं फोड़ूंगा।
बच गया और बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं फोड़ूंगा। अरे तुम यहाँ पर, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गए, मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। मेरे घर पर क्यों? कल शाम को हम दोनों एक खास बम फोड़ेंगे। सुनो ना चिंटू भैया, मैं अब और बम नहीं फोड़ूंगा। बम नहीं फोड़ सकता? पर क्यों? कल तो बहुत मजा आया था ना। आने दो मजा, मैं नहीं फोड़ूंगा। समझ गया, जरूर तुझे घर में डांट पड़ी होगी। धत, ऐसे डरने से क्या फायदा होगा। रुको, मैं तुझे एक बड़ी सी पटाखे की लड़ी दिखाता हूँ। ये देख देख देख। क्यों, अब तो चलेगा ना? नहीं चिंटू भैया, मैं अब एक भी बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा। अब मैं समझ गया, तू भूतों की वजह से ये सब बोल रहा है ना। सुन, भूतों के जादू का जवाब, आज मैं इस पटाखे की लड़ी को जला कर दूंगा। जादू का जवाब मतलब? भूतू शेरू से बहुत प्यार करती है ना, आज मैं शेरू की पूंछ पे इसे बांध कर उसमें आग लगा दूंगा, तब देखना मजा आएगा। नहीं नहीं, ये सब मत करो, ये सब करना ठीक नहीं, शेरू तो हमारा दोस्त है। तो रुक दो, दोस्त वोस्त कुछ नहीं, वो हमारा दोस्त नहीं है। भूतू को मजा चखाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। तू मेरे साथ आएगा या नहीं? नहीं चिंटू भैया, बॉम्ब तो मैं फोड़ूंगा नहीं, और शेरू को भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। जा, ठीक है मत आ, मैं अकेले ही बदला ले लूंगा। सब लोग जरा पीछे आ जाओ तो, मैं एक अनार फोड़ता हूँ। हाँ हाँ, जलाओ जलाओ, मुझे अनार फोड़ने से डर लगता है, पर देखने में तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, ये देख। ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, देखो। मैंने कहा था ना, पटाखों को जितना ज्यादा धूप में रखोगे उतने अच्छे से फूटेंगे। बंटी भैया, अब एक रॉकेट जलाओ तो। हाँ हाँ, रुक अभी जलाता हूँ। भूतू, भूतू। क्या हुआ गोलू, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों है? तेरे चिंटू भैया कहाँ है, आज बॉम्ब फोड़ने नहीं बुलाया तुझे? चिंटू भैया के बारे में कहने आया हूँ, जल्दी से तालाब किनारे चल भूतू। अरे पर बता तो, हुआ क्या है? चिंटू भैया तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, इसलिए तेरे से बदला लेने के लिए शेरू की पूंछ पे लड़ी लगाकर फोड़ने के लिए उसे तालाब किनारे ले जा रहे हैं। चिंटू भैया के दिमाग में इतनी बड़ी शैतानी, चलो तो देखते हैं। वो देख भूतू, मैंने कहा था ना वो शेरू की पूंछ पे लड़ी बांधना चाहते हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा, शेरू की पूंछ जल गई तो उसे दर्द होगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, शेरू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे भूतू, वो तो आग लगा रहा है। अरे लगाने दे, पटाखे का धागा तुम शेरू की पूंछ से खुलकर चिंटू भैया के कमर की बेल्ट पर बन जाओ तो। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे ये सारे पटाखे कहाँ जा रहे हैं? अरे ये तो मेरे पीछे फूट रहे हैं। अरे बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरे पीछे पटाखे फूट रहे हैं, बचाओ। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। चिंटू भैया, अब दौड़ते रहो या तालाब में कूद जाओ। बचाओ 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 बचाओ। क्यों रे गोलू, तू आज बॉम्ब नहीं फोड़ेगा? नहीं बंटी भैया, मैं तो अब कभी भी बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमेशा याद रखना गोलू, किसी और को परेशान करके कभी कोई खुद खुश नहीं रह सकता, इसीलिए दिवाली में ध्वनि और वायु प्रदूषण वाले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, दीप जलाने चाहिए। क्या हुआ रे मुन्नी, तू तब से शांत क्यों बैठी है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से बहुत सर दुख रहा है मेरा। ऐसा क्यों, क्या हुआ? कुछ भी मत पूछो, बाबू राम काका तुम्हें याद है ना? याद क्यों नहीं होंगे, हमारे घर के ठीक पीछे ही उनका घर है, उनके लड़की की शादी है तो इतना जोर जोर से गाना बजा रहे, न सो पा रही हूँ न ही पाठशाला में पढ़ पा रही।
रही हूँ। नहीं रे भूतू, मुन्नी जितना कह रही है उतना तेज नहीं है। स्पीकर बज रहा है पर उतना तेज नहीं कि घर तक आवाजें आए। तेरे घर से सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि तेरा घर पाठशाला से बहुत दूर है, पर मेरा घर पाठशाला के बिल्कुल पास है। मुन्नी सही कहा तूने, जो पाठशाला है वो मुन्नी के घर के बहुत करीब है और ठीक उसी के पीछे बाबूराम काका का घर है। चलो तो देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल कान के पर्दे ही फाड़ देंगे। क्या बताऊँ तुम्हें, सिर्फ दिन में ही नहीं शाम को भी हमारी परीक्षा भी आने वाली है। मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो मजा आ रहा है, पाठशाला में पढ़ाई भी नहीं हो रही, पूरा दिन गाने सुनो, मजा ही मजा। क्या पाठशाला में पढ़ाई नहीं हो रही है तो तू हंस रहा है? खुश नहीं होऊंगा क्या? आज पता है क्या होने वाला था? पाठशाला में इतिहास के सवाल पूछे जाने थे। तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई दे रही है बच्चों? ऐसे क्या पढ़ाई हो पाएगी भला? देख ही सकते हो बाहर कितना शोर हो रहा है। बोलो, उठो जरा, बताओ आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किस तरह किया? सुनाई नहीं दे रहा सर, और जोर से बोलिए। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था? निर्मल चाचा की दुकान में पहिया ठीक होगा, हवा निकल गई तो निर्मल चाचा भर देंगे। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो। निर्मल चाचा की दुकान में पहिया ठीक होता है। ये क्या बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, गाना इतनी जोर से बज रहा है। मेरे गले में दर्द होने लगा सर, मैं और ज्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगा। ठीक है तुम बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, स्पीकर की आवाज़ से पागल हो जाऊंगा मैं। अगर सर की शक्ल देखती तो मजा आ जाता, मैंने गलत जवाब दिया तो भी कुछ नहीं कहा। निर्मल चाचा ने पहिए का आविष्कार किया है। देखा बुतु, यही हाल है, मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ और ना ही पढ़ पा रही हूँ। इतनी जोर से गाना बजाने से कैसे पढ़ पाऊंगी मैं, तुम ही बताओ भूतु। मुन्नी सही कह रही है भूतु, लगातार गाना बजने की वजह से ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही कुछ और। अब बताओ क्या करे भूतु, अगर इतनी जोर जोर से गाना बजेगा तो लोगों के कान खराब हो जाएंगे। हट मुन्नी, तू कुछ ज्यादा ही सोचती है, एक दिन पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या तूफान आ जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन पढ़ाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फालतू की बातें बंद करो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये गाना पसंद होने की बात नहीं है, गाना सुनना तो सबको पसंद होता है, पर अभी जितना जोर से गाना बज रहा है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है। सिर्फ परेशानी नहीं होती भूतू, इससे तबीयत भी खराब हो सकती है और ध्वनि प्रदूषण करने की वजह से पुलिस भी पकड़ेगी उन्हें। ये सब बातें बाबूराम काका को समझानी पड़ेगी हमें। हट, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे मजा आ रहा है। तुझे तो गाना सुनने में मजा आएगा ही, लेकिन मुन्नी के बारे में एक बार सोच। मुन्नी की तरह आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, जरा सोच गोलू। पाठशाला में पढ़ाई नहीं हो रही तो इसे तो अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, कल सुबह बाबूराम काका के घर जाकर हम लोग समझाएंगे, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है ये भी बात हम उन्हें समझाएंगे। क्यों मुन्नी, तेरी तबीयत ठीक है ना? नहीं बंटी भैया, कल रात को जरा सा भी नहीं सो पाई, सर दर्द के साथ साथ मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं। तेरी इतने में ही तबीयत खराब हो गई? क्या होगा अगर थोड़ा दिन नहीं सोएगी तो? गोलू, एक दिन तू भी बिना सोए रहकर दिखा दे, नींद पूरी नहीं हुई तो कैसा लगता है बताना मुझे। मैं नहीं सोता तो कुछ नहीं होता, मैं तो बस रात भर गाने सुनता रहा। गोलू, तुझे तो बस खाना ही चाहिए है ना? हाँ ये तो सही कहा, खाने से याद आया, हमें तो खाना खाने जाना है। कल रात पापा ने बताया था कि पड़ोस में किसी की शादी में खाने के लिए जाना है। गोलू, सिर्फ तुझे ही नहीं, बाबूराम काका ने पूरे फूल पहाड़ी को नेवता दिया है। बंटी भैया, आपको कैसे पता चला? मुझे भी पापा से ही पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ से ही तो सारी मिठाइयाँ जा रही हैं। तो क्या भेज रहे हो मिठाई में? क्या क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन चार पांच तरीके की मिठाइयाँ हैं। अरे वाह,
बस हो गया। चुप कर तू, जैसे तू नहीं खाएगा। अरे जरा चुप हो जाओ, वो देखो उनका घर आ गया है। उफ बाबा, स्पीकर बंद है, अच्छा लग रहा है। तो सबके कानों तक गाना पहुंच रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है ना मेरे घर का गाना? मेरा बहुत ही मन था कि मेरे लड़के की शादी इतनी धूमधाम से हो कि पूरा गांव याद रखे। ये आदमी कितना बुद्धू है, यहाँ हम अपनी तकलीफ बता रहे हैं और इन्हें यहाँ खुशी हो रही है। हाँ बाबूराम काका, सभी के कानों तक पहुँच रही है, जिससे बहुत समस्या होती है। गाना इतनी जोर से बजेगा तो दिक्कत तो होगी ही। गाना सुनने में कैसी परेशानी है, इससे तो सबका मनोरंजन होता है। क्या कह रहे हैं, इतने जोर से गाना बज रहा है कि हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी तरह आपके घर के आसपास जो भी रहते हैं वो ढंग से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। अरे ये कैसी बात हुई, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो मतलब मैं अपने लड़के की शादी में मजे भी ना करूँ अब। पापा, मम्मी आपको अंदर बुला रही है। ये रहा मेरा बेटा पलाश, जरा यहाँ आना, देखो तो। ये है मेरा लड़का पलाश, इसी की वजह से गाना बज रहा है। कुछ ही दिनों में इसकी शादी है, उसके बाद रिसेप्शन होगा, उसके बाद और कुछ दिनों तक गाना बजेगा, यही कोई 10 से 15 दिन तक गाना बजेगा, तो इसमें किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है। वैसे भी इस गांव में सभी लोगों को गाना सुनना कितना पसंद है, कोई समस्या नहीं होगी। क्या हो गया पापा, कोई प्रॉब्लम है? अरे ये सब हमारे गांव के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि गाना बजने से इनकी पढ़ाई खराब हो रही है, सर दुख रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि हम गाना बंद कर दें। नहीं नहीं चाचा जी, हम गाना बजाना बंद करने को नहीं कह रहे हैं, हम तो इतना कह रहे हैं कि गाने को धीरे बजाइए और कुछ नहीं। नहीं नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं, हमारे घर में ऐसे जोर से ही गाने बजेंगे, जिसे भी तकलीफ है वो अपने कान में रुई डाल ले और उसे मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं मिलेगा। पापा चलो अंदर चलते हैं, माँ आपका कब से इंतजार कर रही है, ये लोग सुबह सुबह आके मूड खराब कर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इनका बेटा तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो बाबूराम काका हम सब चलते हैं, हमने जो कहा वो सोचिएगा जरूर। इसमें सोचने वाली क्या बात है, पलाश ने तो बोल ही दिया ना, गाना धीरे तो नहीं बजेगा, जिसे तकलीफ है वो शादी में ना आए। उसकी बात तो हम सभी मानते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, गाना धीरे बजाने की बात तो तुम लोग भूल ही जाओ। चलो मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है, अभी बहुत काम करना बाकी है। और सुनो, मेरे लड़के की शादी में पूरा गांव आमंत्रित है, तुम लोग भी आ जाना जल्दी से, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। आखिर बाबू राम के लड़के की शादी है। वो देखो बंटी भैया, फिर से गाना बजाना शुरू कर दिया, इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इनका बेटा वो कितना बदमाश है, मुंह पर कह दिया कि गाना बंद नहीं करने वाला। सही कहा, बंटी भैया ने इतने अच्छे से समझाया कि जोर से गाना बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोगों के कान खराब भी हो सकते हैं। तुम लोग भी ना अजीब बात करते हो, शादी वाले घर में मजाक मस्ती नहीं होगी तो क्या होगा, बताओ जरा। तू तो बिल्कुल भी बात मत कर, वहाँ जाकर कुछ भी नहीं बोला तूने, बस खाते जा रहा था। खाऊंगा नहीं तो क्या करूंगा, पता भी है गुड्डू भैया शादी करने होता रद्द होते होते रह गया। ये क्या है गोलू, हम सब यहाँ इतने परेशान हैं और तुम्हें तो सिर्फ न्योते की ही पड़ी है। सही कहा, जैसे तुझे सोने की चिंता वैसे मुझे खाने की चिंता। अरे गोलू कहाँ जा रहा है, रुक जा, पाठशाला का समय हो रहा है, मैं और नहीं रुक सकता। देखा भूतू, गोलू कैसे बोल रहा है, मैं क्या ऐसे ही बोले जा रही हूँ, कल तुम मेरे घर पे आके देखना कैसे हालात में रह रहे हम लोग। तो उदास मत हो मुन्नी, स्पीकर की आवाज मैं कम करके ही रहूंगी, बाबूराम काका को तो मैं किसी भी हालत में समझा के रहूंगी, लेकिन बाबूराम काका से पहले गोलू को समझाना पड़ेगा। पर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, पाठशाला के पास ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है गाना, वहाँ जाके नाचूंगा, ये मजा आएगा। तरकीब सूझी, गोलू को समझाने का एक तरीका मिल गया है। कैसा तरीका? सब इधर आओ। क्या गजब का तरीका है, सही कहा भूतू। रुको गोलू बाबू, अब तक तुम हमें नाच दिखा रहे थे, अब हम तुम्हें गाना सुनाएंगे। वो देखो भूतू, इस वाले स्पीकर को मिलाकर यहाँ पे 6 स्पीकर हैं। चलो अच्छा है, रात का समय है तो स्पीकर बंद है।
स्पीकर दोस्त, तुम अपने बाकी स्पीकर दोस्तों को लेकर गोलू के घर के पीछे चले जाओ प्लीज 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 प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे वो देख भूतू, स्पीकर तो उड़कर चले जा रहे हैं। बस अब देखते हैं कि गोलू को आधी रात में गाना सुन के कैसा लगता है। वो देख भूतू, पेड़ पे सब बढ़िया से लग गए हैं। स्पीकर दोस्त, अब तुम लोग बिल्कुल जोर से गोलू का फेवरेट गाना बजा दो तो प्लीज 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 प्लीज। अरे बाप रे बाप, मेरे कान फट जाएंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो कान खराब हो जाएंगे हमारे। हाँ, हाँ, चलो, 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 भागो। इतनी रात में कौन इतना तेज सुनता है? मेरे तो कान ही खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत तेज है, मेरी तो नींद ही उड़ गई। कोई स्पीकर बंद कर दो प्लीज। सच बता भूतू, वो काम तेरा ही था ना? काम किसी का भी हो, तुमने क्या सिखा ये बताओ हमें। मुझे पता था ये काम तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, पर तूने अच्छा किया, मुझे सबक मिल गया। गाना जितना भी अच्छा हो इतना तेज नहीं सुनना चाहिए। मुझे तो एक रात में ही सबक मिल गया, ना बुरा लगता है। माफ कर दे मुन्नी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था। रात की नींद सच में जरूरी होती है। मैं तुम्हें कल बार बार यही तो समझा रही थी, पर तुम तो समझ ही नहीं रहे थे। हमने गाना बंद करने के लिए नहीं कहा, हम लोग तो कह रहे थे कि बस आवाज थोड़ी धीमी कर लो। हाँ मैं तो समझ गया हूँ, गाना चाहे जितना पसंद हो पर जोर से नहीं सुनना चाहिए। गोलू तो समझ गया। मैं तो समझ गया हूँ, पर हम बाबूराम काका को कैसे समझाएंगे? सुनो गोलू, वो तरकीब भी सोच चुकी हूँ। गोलू एक काम कर, पलाश भैया से बात करके उन्हें जाके रोक ले। पलाश भैया? ओ पलाश भैया। कौन है? मैं गोलू, आपके पापा ने मुझे शादी में आमंत्रित किया है। ओ अच्छा। शहनाई की धुन, शहनाई की धुन, तुम पलाश भैया के गले में घुस जाओ प्लीज 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 प्लीज। तो कितने बजे बारात निकलेगी यहाँ से? वो निकलेगी 5:55। ये क्या, आप शहनाई क्यों बजा रहे हैं? ठीक है कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ओ पलाश, जरा इधर आओ, इधर आके हिसाब देखो तो, कितने किलो सब्जी मंगाई थी तुमने? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पलाश क्या हुआ बेटा? पलाश आखिर बात क्या है? अरे बेटा पलाश क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? बात क्या है बता तो, हुआ क्या है? कल तो तेरी शादी है, क्या चाहिए तुझे बता तो, मैं लाकर देता हूँ ना तुझे। ये क्या, मैं जानता हूँ तुझे गाने का शौक है, तो तू शहनाई के अलावा कुछ बोलेगा नहीं क्या? कल तो तेरी शादी है, सबको पता है, तुझे शहनाई बजाने की जरूरत नहीं है।
पलाश तू मजाक क्यों कर रहा है? तेरे पापा इतने परेशान हैं और इस समय तू मजाक कर रहा है। पलाश आखिर बात क्या है? क्या तू सच में बात नहीं कर पा रहा है? सच में तू कुछ बोल ही नहीं पा रहा है? बातों की जगह शहनाई बजा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय 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 हाय।